फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करते सब लोग अच्छे हैं। ज्योत्सना किचन में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे मूंग का दाल। तो यहाँ पे हम 100 ग्राम मूंग का दाल ले लिए हैं और अच्छे से 3-4 बार धो लिए हैं। झटपट बन जाती है, 5-7 मिनट में ये दाल बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे 100 ग्राम मूंग का दाल ले लिए हैं और यहाँ पे हम 250 ग्राम पानी दे रही हूँ। अगर आप को ज़्यादा गाढ़ा पसंद है तो थोड़ा दाल का जो मात्रा है थोड़ा सा बढ़ा दे। यहाँ पे हम थोड़ी सी चुटकी भर दे 1 चम्मच का 1/4 हिस्सा हम दिए हैं जी हाँ लाल मिर्च पाउडर। आप चाहे तो हरी मिर्चा भी यूज़ कर सकते हैं। और दिए हैं 1/4 के हल्दी, दे देंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं और फुल फ्लेम में हम 2 सीटी लगा देते हैं। 2 सीटी लगाने के बाद गैस को हम निकालने देंगे, कुकर को ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम तड़का लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, कुकर जो है ठंडा हो चुकी, तो देख सकते हैं दाल जो हम 2 फुल फ्लेम पे 2 ही सीटी लगाए थे, फिर भी दाल जो है बहुत अच्छे से पक चुका। चलिए फिर तड़का लगा दे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कढ़ाई में जो है हम नॉर्मल जो चम्मच है 1 चम्मच ऑयल दे दिए हैं और यहाँ पे 1 लहसुन थोड़ा सा कुचल दिए हैं। तो लहसुन को एकदम हम ब्राउन कर लेंगे। लहसुन देना फ्रेंड्स जरूरी है, नहीं देते हैं तो इसका स्वाद दूसरा हो जाएगी। तो लहसुन देना है। जिस तरीका से मैं बना रही हूँ उस तरीका से बना के खा के देखें, आप सबको बहुत पसंद आएगा। तो कुछ सेकंड तक चला लेते हैं अच्छे से ब्राउन हो जाए। तो देख सकते हैं कलर चेंज हो चुका। अब यहाँ पे 2-3 हरी सॉरी सूखा मिर्चा हम तोड़ दिए हैं, थोड़ी सी जीरा और चुटकी भर हींग। तड़का हमारा रेडी है। बहुत अच्छा सा खुशबू आ रहा है इसमें से। अब दाल को डाल देंगे। तो रेडी हो चुका फ्रेंड्स मूंग का दाल। ये आप चावल के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होती है। तो एक बार मेरी जिस तरीके से मैं बनाई हूँ ट्राई करें, आप सबको बहुत पसंद आएगा। और आप किस तरीके से दाल बनाते हैं मूंग का दाल जरूर बताएं, कमेंट्स में लिखें। तो मेरा रेसिपी आप सबको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर करो, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। सब लोग स्वस्थ रहें। बाय।